हेलो गाइस, मैं विनय कांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर मानव यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले पूछे जाते हैं, 3 अंक वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें से आज हम 3 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं जिन पे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम जब दीर्घ उत्तरीय के वीडियोस बनाएंगे इस चैप्टर के तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि इसके पहले के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले हैं उनके वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अंडाणु जनन क्या है। अंडाणु जनन क्या है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाए अंडाणु जनन क्या होता है तो उसका हमें चित्र बना करके अच्छे से समझाना होता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो अंडाणु जनन क्या होता है ये आपको परिभाषा इसकी देनी होती है। तो अंडाणु जनन क्या होती है इसकी हम परिभाषा बता चुके हैं, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। नर मानव में वृषण के शुक्रजन नलिका के अंदर जननिक एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए ताकि अच्छे से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकें। अब आगे है क्वेश्चन, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, नर मानव के वृषण के शुक्रजन नलिका के अंदर इपिथीलियल कोशिकाओं, जननिक इपिथीलियल कोशिकाओं से होती है। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहली प्रक्रिया है, उस प्रावस्था को बोलते हैं गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था और तीसरी प्रावस्था है परिपक्वन प्रावस्था। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं। अंडाणु जनन यानी कि मादा के अंडाशय से अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे है, सचित्र वर्णन कीजिए, यानी ये भी जो प्रक्रिया होती है 3 चरणों में कंप्लीट होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसका भी हमने चित्र बनाया हुआ है और अगर हम चित्र बनाते ऐसे बताते बताते तो इसमें काफी टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ही फिगर बना लिया है। बहुत ही सरल तरीके से फिगर हमने बनाया है जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप लोग समझिएगा फिगर और किस प्रकार से मनुष्य में और मनुष्य नर मानव में और मादा मानव में किस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, शुक्राणु जनन की परिभाषा कहां पर होती है, वृषण के शुक्रजन नलिका के जननिक एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा होती है। जननिक एपिथेलियल कोशिका इसे बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। तो जिस कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे बोलते हैं शुक्रजन कोशिका। अब शुक्रजन कोशिका में ये यहां से यहां तक जो प्रावस्था होती है इसे बोलते हैं गुणन प्रावस्था। क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में होता क्या है, एक शुक्रजन कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा समसूत्री कोशिका विभाजन, बार बार कोशिका विभाजन होगा और लाखों की संख्या में शुक्रजन कोशिका बन जाती है। यहां पर 2 बार दिखाया गया है, 1 से 2 और 2 से 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से बार बार कोशिका विभाजन इसमें होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ पर लिखा 2n, 2n और 2n, इसका मतलब क्या है, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो सेम रहती है, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन इसमें होता है। जब समसूत्री कोशिका विभाजन हो जाता है, शुक्रजन कोशिकाएं बहुत सारी हो जाती हैं, तो अब आती है बारी वृद्धि प्रावस्था की। ये वाली जो प्रावस्था होती है ये है वृद्धि प्रावस्था।
वृद्धि प्रावस्था क्या होती है? जब शुक्रजन नलिकाओं की गुहा की ओर ये जो शुक्रजन कोशिका है ये बढ़ती हैं तो अपने आकार में बढ़ती हैं, और जब ये अपने आकार में बढ़ती हैं तो प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्राथमिक शुक्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता क्या है कि अर्धसूत्री जब कोशिका विभाजन होता है तो इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो यह प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। जब गुण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा तो यह बनाएगा द्वितीयक द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। जब द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा उसमें फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो ये बनाएंगी पूर्व पूर्व शुक्राणु। पूर्व शुक्राणु का निर्माण करती हैं और पूर्व शुक्राणु आगे चल करके शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणु का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और अंतर भी यहाँ पे देखा गया है कि प्राथमिक शुक्र कोशिका से एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने देखा शुक्रजन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, तीन प्रावस्था में होता है। अब ये यहाँ से वृद्धि प्रावस्था के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रावस्था होती है इसे बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। क्या बोलते हैं? परिपक्वन प्रावस्था। सेम चीज आपको अंडाणु जनन में देखने को मिलेगी, तीन प्रावस्था में कंप्लीट होती है। तो शुक्रजन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण होता है तीन प्रावस्था में, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और जो है परिपक्वन प्रावस्था। तीन चरणों में ये शुक्राणु जनन कंप्लीट होता है। एक बार जब मैथुन क्रिया होती है तो उसमें 10 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है निषेचन करने के लिए जाते हैं, उनमें से एक ही निषेचन कर पाता है, जितना आपको इसमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे अंडाणु जनन के बारे में। तो अंडाणु जनन में भी जो पहली कोशिका होती है ये कहाँ पर होता है? अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है और किससे होता है? ये है अंड कोशिका, यानी इसे बोलते हैं, जैसे कि ये शुक्रजन कोशिका है तो इसे बोलते हैं अंडजन कोशिका, अंडजन कोशिका। अब ये अंडजन कोशिका ये होगा क्या? गुणन प्रावस्था में सबसे पहले एंटर करेगा। गुणन प्रावस्था में क्या होगा? एक से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा, बहुत सारी अंडजन कोशिका का निर्माण होगा। जब बहुत सारी कोशिकाओं का अंडजन कोशिकाओं का निर्माण होगा फिर आएगा सेकंड फेज वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में ये क्या होगा? एक जो कोशिका है यानी 2n जिसमें कि नंबर ऑफ जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या सेम रहती है तो ये वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के साथ साथ अपनी कोशिका के साइज में वृद्धि करता है। जब कोशिका के साइज में वृद्धि हो जाएगा तो इसे बोलेंगे प्राथमिक अंड कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक अंड कोशिका। प्राथमिक अंड कोशिका का ये निर्माण करता है। जब ये प्राथमिक अंड कोशिका निर्माण करता है तो इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तो ये किसका निर्माण करेगा? ये प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करेगा। प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करेगा। प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करने के बाद ये पूर्व अंडाणु का निर्माण करेगा। पूर्व अंडाणु के निर्माण में इसमें कुछ चेंजेस होंगे और कुछ चेंजेस होने के बाद अंडाणु का निर्माण करेगा। अंडाणु का निर्माण कब करेगा? जब परिपक्वन प्रावस्था में आ जाएगा। यह है इसकी वृद्धि प्रावस्था, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो प्रावस्था होती है यह होती है गुणन प्रावस्था। यहां से लेकर यहां तक जो प्रावस्था होती है वृद्धि प्रावस्था, और यहां से लेकर यहां तक जो प्रावस्था होती है परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रकार से अब हमको यह समझना है कि पूरे एक महिला के जीवन काल में 10 से 20 लाख अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से उसके जीवन पर्यंत सिर्फ 400 अंडाणु यानी 400 अंडे ही उसके सक्रिय रहते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जब जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब महिलाएं आती हैं उनके जीवन पर्यंत में 10 से 20 लाख
जो है अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 400 अंडाणु ही सक्रिय रह पाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा गया प्राथमिक अंड कोशिका से सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। इसमें क्या था, प्राथमिक शुक्र कोशिका से 400 करोड़ों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया अंडाशय में होती है। अंडाणुजनन प्रक्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। और शुक्राणुजनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, मनुष्य के वृषण में जो है शुक्रजन नलिका के जननी की एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा होता है। तो इतना इसमें आप सभी को याद रखना है। एक बार में ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप फिर से देखिए, उसको फिर से रिस्टार्ट करिए और फिर से देखिए, तब आपको धीरे धीरे एक दो बार आप देखेंगे तो आसानी से इतना आपको क्लियर हो जाएगा। और ये फिगर की सहायता से मैंने बताया है ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके दो कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन 2005, 6, 7, 8, 9, 12 और 13 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसी का अथवा करके पूछा जा सकता है, अपरा से क्या तात्पर्य है तथा अपरा के प्रकार तथा कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो 2008, 9, 10 और 14 में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपरा की परिभाषा तो मैं बता चुका हूँ, इसके कार्य भी बता चुका हूँ, फिर आप एक बार फिर से, ये तीन नंबर पर पूछा गया है तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। अपरा क्या होता है, अपरा को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वह संरचना होती है जो माँ के गर्भाशय में पल रहे संतान यानी बच्चे को माँ के गर्भाशयी दीवार से जोड़ती है, वह संरचना अपरा कहलाती है। यानी वह संरचना जो माँ के गर्भाशय के अंदर पल रहे संतान को माँ के गर्भाशय दीवार से जोड़ती है, उसे जो है अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, पीतक कोश अपरा। पीतक कोश अपरा जो होता है, पीतक कोश का बना होता है, जैसे कि कंगारू में, इसका एग्जाम्पल है कंगारू। अगला है कोरियो एलेंटोइक अपरा। ये जो है, ये अपरा जो है कोरियान तथा एलेंटोइस झिल्लियों से बना होता है। किससे बना होता है, कोरियान तथा एलेंटोइस झिल्लियों से बना होता है। और ये इसका एग्जाम्पल आता है जैसे कि मनुष्यों में, मनुष्य में इसी तरह का अपरा पाया जाता है, कोरियो एलेंटोइक अपरा। ठीक है, ये कोरियान और एलेंटोइस झिल्लियों से बना होता है। अगला है जरायु अपरा। ये अपरा कोरियान झिल्ली से बना होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है यूथेरियन एनिमल। यूथेरियन एनिमल ये जानवर कह सकते हो, यूथेरियन एनिमल में इस टाइप का अपरा पाया जाता है। तो तीन प्रकार का अपरा, पीतकोष अपरा, कोरियो एलेंटोइक अपरा और जरायु अपरा। प्लेसेंटा की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं, अब इसके कार्य पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे माँ के गर्भाशय के अंदर एक जो बच्चा है, संतान है, जो पल रहा होता है, माँ के गर्भाशय दीवार से एक संरचना उससे जुड़ा होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। उस प्लेसेंटा से माँ भी जो भी खाना खाएगी, उससे जो भी पोषक तत्व निकलेंगे, उस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक जाते हैं। और जो माँ ऑक्सीजन ग्रहण करेगी, वो ऑक्सीजन भी उस बच्चे तक जाएगा। यानी कि कह सकते हैं भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन का को स्थानांतरित करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है कि जो माँ के गर्भ में जो भी पोषक तत्व होंगे लाभदायक, वो बच्चे तक जाएंगे प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा का ये इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि जो हानिकारक पोषक पदार्थ होते हैं, वो जो माँ के गर्भाशय के अंदर पल रहा संतान होता है, उस तक नहीं पहुंचने देता, उसको रोक देता है। यानी इसे बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये दो इसके मेन कार्य हैं। उसके अलावा उत्सर्जी जो है अंग की तरीके से भी काम करता है जो बच्चा होता है माँ के गर्भाशय में। यानी जो बच्चे के अंदर जो भी खाना खाए, उससे जो उत्सर्जी पदार्थ निकलेंगे, उस प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, रुधिर कोशिकाओं में, माँ के गर्भाशय दीवार में चले जाएंगे और वहाँ से जो है माँ के शरीर से इसको बाहर कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे दो जो है कार्य पूछे गए हैं, मैंने आपको तीन कार्य बताए हैं, इन तीनों कार्यों को आपको याद करना है। तो ये आज के हमने तीन क्वेश्चंस लिए थे,
जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे से एक बार इसको समझिए और उसको फिर तीनों क्वेश्चन आप राइट करिए और तीनों क्वेश्चन के आप आंसर बारी बारी से अपनी कॉपी में अपने रफ में प्रैक्टिस करिए, तो इससे होगा क्या, आप धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन तैयार करते जाएंगे और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये आप लगातार अगर इसको तैयार करते रहते हैं, डेली एक वीडियो आती है इसको आप धीरे धीरे तैयार करते रहते हैं, तो दिन में आप कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस तरीके से आप क्वेश्चन को तैयार करते रहेंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपकी जो है तैयार होंगे और आप पूरी तरीके से तैयार होकर के एग्जाम में जा करके आप एग्जाम दे पाएंगे अच्छी तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, आपके जो रिलेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए आप उनको शेयर करिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।